अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आज हम पेंट रिमूवर को अप्लाई करेंगे स्कूटर की सरफेस पे, एंड आई हैव दिस पेंट रिमूवर विद मी व्हिच आई हैव यूज्ड प्रीवियसली एज वेल एंड इट वर्क्स। सो दिस इज ईगल ब्रांड का हाई पावर पेंट रिमूवर। स्कूटर को चढ़ाते हैं ऊपर, वाई? इसका रीज़न ये है कि ये जो पेंट रिमूवर है, इसके फ्यूम्स जो हैं गाड़ियों के पेंट को भी डैमेज करते हैं, और आई डू नॉट वॉन्ट कि किसी की भी गाड़ी, मेरी या किसी नेबर की, डैमेज हो इस प्रोसेस में। So I'm going to take my scooter up to the rooftop and do it in the open air. So let's go. अच्छा, तो all the body parts are up here. Handle, stepney apparatus, tanky, tape, full body. So paint remover भी आ गया. I'm thinking of getting a table here for the small parts. तो वो भी ले आता हूँ. अच्छा, नाउ दैट वी हैव द स्कूटर हियर विद अस, ये मैं थोड़ा सा पूर कर लेता हूँ। ये देखें, इफ यू कैन अप्रिशिएट, ये पेंट के जो है ना, ये चिप ऑफ होने लग गया, ये देखें ये सारा, एंड उधर भी इसी तरह The metal has started to appear from beneath. डॉक्टर अदनान भी आ गए हैं यहाँ पे और बड़े शौक से काम कर रहे हैं। पेंट रिमूवर डिड नॉट प्रूव टू बी वेरी एफिशिएंट, ये हाल अहवाल आप देख लें इसका, ठीक है। इट स्टिल हैज अ लॉट ऑफ पेंट लेफ्ट, सो आई हैव कम अप विद अनदर स्ट्रेटजी, लेट मी शो यू। अच्छा, तो हेयर आई हैव दिस ग्राइंडिंग मशीन, इट हैज ऑल दीज डिफरेंट माउंट्स, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन। ये हमारे पास ब्रश है आयरन का, जो इस पर लग जाएगा ऐसे करके, एंड इससे हम पेंट उतारने की कोशिश करेंगे। फिर वी हैव कोर्स ग्राइंडर, वी हैव फाइन ग्राइंडिंग, वी हैव मल्टीपर्पज मल्टी ऑप्शन ग्राइंडिंग सैंडिंग ग्रिट्स, और ये हमारे पास है कटिंग डिस्क, ठीक है। कटिंग डिस्क आई डोंट थिंक वी विल बी यूजिंग, बट आई हैव बॉट इट, आई डोंट नो व्हाई। और ये इसका हैंडल है, इन केस आई वांट मोर ग्रिप, सो ये भी मैं लगा सकता हूँ इसको। एंड ये इसका टूल है विद विच यू ओपन इट, ठीक है, यहाँ पे इस तरह फिट होता है। सो लेट्स स्टार्ट, एक सेकंड, लेट मी जस्ट फोकस दिस वन। अच्छा, तो आई एम गोइंग टू वेयर द किचन एप्रन, बिकॉज आई डोंट वांट इसके खास तौर पे जो नीडल्स हैं, द ब्रश के जो हेयर हैं आयरन के, स्टील के, आई डोंट वांट देम टू गेट इन टू माई क्लोथ्स, सो आई एम गोइंग टू वेयर एन एप्रन। एप्रन आपके पास किसी और मटेरियल का है इंस्टेड ऑफ अ क्लॉथ एप्रन, तो आप वो पहने, फॉर एग्जाम्पल रबर एप्रन या कोई रैगजीन वगैरह का हो, सो इट्स बेटर, बट वी आर गोइंग टू मेक डू विद दिस वन, एंड लेट्स स्टार्ट। जी, तो ये हमने थोड़ा बहुत काम अभी जो किया है, बिल्कुल सरफेस निकल आई है अंदर से, और बड़ा मुश्किल काम है ये, वैसे हाथ थक जाता है आपका। और ये चीज़ है ना, बड़ी जालिम चीज़ है, ये मेरे कपड़ों में भी अंदर गई हुई है, एंड इट्स क्या कहते हैं, काफ़ी दर्द होता है जब ये आपको लगती है चलते हुए। मेरी हालत से पता चल रहा होगा कि काम मैंने बहुत ज्यादा किया आज, टाइम हो रहा है, मगरिब गुजर चुकी है, बल्कि नमाज पढ़ चुका हूं मैं, और सुबह शुरू हुए थे हम आई गेस 10 बजे, 9:30 बजे इस तरह ही टाइम था, तो इट्स बीन 8 आवर्स समथिंग। और दिखा भी देता हूँ आपको, पेंट बिल्कुल हट चुका है सारा, ठीक है, ये फ्रंट से भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें ठीक हो गया। अब मैंने इसको कपड़ा मार के साफ कर लिया है, जो मेटालिक डस्ट थी वो मैंने हटा दी है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑयल, मोबिल ऑयल या फिर
वो जो हेयर ऑयल होता है ऑन द सर्फिस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग टिल आई लेकर द बॉडी.